कि जो महजब लोग होते हैं वो आम काट के खाते हैं, जो देहाती लोग होते हैं इधर उधर के गए गुजरे मतलब, वो चूस के खाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने अम्मा का दूध पिया है वो आम चूस के खाते हैं, जिन्होंने डिब्बे का पिया है वो काट के खाते हैं। तो देखिए मैंने जो ज़िंदगी की कुछ तस्वीरें ऐसे उतारी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ समाज फरमाएँ। एक मतलब ये है कि ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मतलब ये है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, सुनिएगा भाई, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक मतलब यह है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से। और जहां सारे दो चार दो तीन शहर में इस कबील के सुनाऊं, एक मतलब यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होंठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होंठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं, कम से कम बच्चों के होंठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं, सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की, हमारा मुल्क इतना सभ्य कहलाता था कि हम इजहार इश्क के लिए भी कबूतर के परों का सहारा लेते थे। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा।